आपके साथ इसके सॉल्यूशंस को शेयर करने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन काफी अच्छा भी है, इजी भी है, पर थोड़ा सा हटकर था। समटाइम्स ऐसा होता है कि एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका किसी बुक में कभी पढ़ा नहीं होता, बट होता ही है। तो चलो करते हैं, देखते हैं कि इसका सलूशन कैसे होता है। यहाँ दे रखा है कि साइन थीटा कॉस थीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं कौन? साइन थीटा कॉस थीटा, और वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो प्रूफ करना है कि आपको इतना आया। जरा देखिएगा, हम ये जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं? दो। अगर क्वाड्रेटिक है तो दो, क्यूबिक होगा तो तीन। अगर हम क्यूबिक की बात करें तो उसमें अल्फा एंड बीटा एंड गामा लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ले रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आप अल्फा ना लीजिए, अल्फा मतलब अल्फा के प्लेस पर आप ले सकते हैं साइन थीटा, और कह रहा है कि बीटा के प्लेस पर आप ले लीजिए कॉस थीटा। दो अलग अलग रूट्स आपने ले लिए, तो जो अल्फा था आप उस साइन बन गया, और जो बीटा था कॉस, आपकी मर्जी। इस अल्फा को कॉस कर सकते थे, साइन को बीटा, अब बीटा को साइन। तो कहने का यह मतलब है कि हम जानते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, जीरोस एंड कोएफिशिएंट। हमें क्या पता है जीरोस एंड कोएफिशिएंट का? ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा आपका होता है सी बाई। तो अब हम बताएं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अल्फा अल्फा ना रहकर क्या बन गया? साइन थीटा, और बीटा बीटा क्या बन गया? कॉस थीटा। यानी जो आप आपका अल्फा प्लस बीटा था वो हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? सी बाई। सिमिलरली हमें ये भी पता है कि अगर हम कहें अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन क्या होता है दोस्तों? सी और बी माइनस, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई। ओके, एंड अल्फा इनटू बीटा क्या होता है? सी बाई। ओके, अब ध्यान से देखना, अब आपके पास अल्फा को रिप्लेस कर दीजिए तो साइन थीटा कॉस थीटा इनटू इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है? सी बाई। आपको जो प्रूफ करना है तो उसको अकॉर्डिंग देखकर हमें क्या चाहिए? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए। अगर मैं इसका ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दूं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो अगर आप एलआरजेस का स्क्वायर करेंगे तो मैथमेटिकली करेक्ट होने के लिए, करेक्ट करने के लिए आपको एलएचएस का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहां हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब नाउ वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फार्मूला रखते हैं, एलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। सिमिलरली अब अल्फा ए के प्लेस पर क्या है? साइन। तो अगर हम इसको ओपन करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की वैल्यू हो गई कॉस थीटा, या थीटा लेंगे का होल कॉस स्क्वायर थीटा, फिर टू ए की वैल्यू साइन थीटा, बी की वैल्यू कॉस थीटा। और यहां आपको पता है कि माइनस का स्क्वायर क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा, ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक रिलेशन होता है जिसे कहते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है जी? 1 होती है। तो अगर आप यहां 1 पुट कर दीजिए और यहां देखिए साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आपने रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के रिलेशन में आपने निकाला है कि साइन थीटा कॉस थीटा सी बाई होता है, ये हो गया सी बाई। अब आप एलसीएम लीजिए, देखिए हम अपने टारगेट के करीब है, चेक करो, यहां बी स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, दो वैल्यू आपको मिल गई सी और ए के। यहां देखिए कैसे होगा, अब आप एलसीएम ले लो, जैसे आपने एलसीएम लिया ए वन जा ए, यहां से डिवाइड 1, 1 से डिवाइड ए, ए वन जा ए, और यहां देखिए ए से ए डिवाइड तो हो जाएगा 2c, और यहां पर क्या था पहले से आपके पास बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये स्क्वायर डिवाइड कर दे रहा है क्या हो गया
मल्टीप्लाई यहां क्या बना बी स्क्वायर। अब आप देखो इसका एक स्क्वायर इसके एक स्क्वायर कैंसिल। अब ये ए है, ए का मल्टीप्लाई इसके इनसाइड दोनों में होगा तो ए ए ए स्क्वायर प्लस टू ए सी इज इक्वल टू कितना बी स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे आसानी से यूज किया गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ये काफी अच्छा सोल्यूशन था, आपको मिल सकता है तो हैरान होने की कोई बात नहीं है, हमने इसके सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिए। ओके।